नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 26 नवंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब बिहार विधान परिषद में नहीं फटेंगे पन्ने। बिहार में पहली बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की हुई आबादी। कोरोना से बचाव के लिए बिहार ने किए बेहतर उपाय। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार पुलिस की अन्य राज्यों पर विशेष नजर। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच का पहला दिन रहा अय्यर के नाम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पहली बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की हुई आबादी। अब तक ऐसा देखा गया है कि देश भर में पुरुषों की आबादी महिलाओं की तुलना में अधिक रही है, लेकिन अब मंजर बदल गया है। आलम कुछ यूं है कि भारत में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में वृद्धि हुई है, जिसके बाद अब हर 1000 पुरुषों पर करीब 1020 महिलाएं हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आबादी 1000 से ऊपर पहुंची है। ये आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में सामने आया है। इससे पहले साल 2015-16 में हुए NFHS 4 में ये आंकड़े हर 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का था। वहीं बात बिहार की करें तो बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर 1090 महिलाएं हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की माने तो देश में प्रजनन दर में भी कमियां सामने आई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे राम शरण शर्मा की। राम शरण शर्मा का जन्म बिहार के बरौनी बेगूसराय में एक गरीब परिवार में हुआ था। वास्तव में उनके पिता को अपनी रोजी रोटी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था और बड़ी मुश्किल से वो मैट्रिक तक उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर पाए थे। उसके बाद वो लगातार छात्रवृत्ति प्राप्त करते रहे और यहां तक कि अपनी शिक्षा में सहयोग के लिए उन्होंने निजी ट्यूशन भी पढ़ाई। राम शरण शर्मा एक भारतीय वामपंथी इतिहासकार है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और टोरंटो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया है और साथ ही लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में एक सीनियर फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नेशनल फेलो और 1975 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जूनियर इंजीनियर अब देंगे बिजली की एक एक यूनिट का हिसाब। बिहार में जल्द ही बिजली अकाउंटिंग के नए सिस्टम की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत बिजली कंपनी नेक्स्ट जनरेशन सुधार के लिए एक एक यूनिट का हिसाब संबंधित इलाके में तैनात अपने कनीय अभियंता से लेकर कार्यपालक अभियंता से लेने वाली है। इसके लिए सभी फीडर पर मीटर लगाने का काम किया जाएगा। फीडर से संबंधित इलाके के किस फीडर को कितनी बिजली गई है, उसका लेखा जोखा फीडर के मीटर से उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद यह जोड़ा जाएगा कि 30 दिन में संबंधित ट्रांसफार्मर को जितनी बिजली मिली है वो कितनी राशि की है। चालक दक्षता परीक्षा इस दिन से होगा शुरू। बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से वाहन चालक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार वाहन चालक दक्षता परीक्षा का आयोजन 8 दिसंबर 2021 से शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग के परिसर में होगा। परीक्षा के दौरान कोरोना से बचाव के उपाय और निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। वाहन चालक दक्षता परीक्षा संबंधित विस्तृत सूचना केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना के वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस प्रक्रिया के बाद बिहार पुलिस में चालक सिपाहियों की भर्ती हो पाएगी। कोरोना से बचाव के लिए बिहार ने किए बेहतर उपाय। बिहार में कोरोना के मामलों में इन दिनों कमी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि बिहारवासी अब चैन की सांस भी ले रहे हैं। इन सबके बीच बिहार में कोरोना से बचाव के बेहतर उपाय करने के दावे भी किए गए हैं और यह दावा हमने नहीं बल्कि नीति आयोग की टीम ने किया है। बीते दिन नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने माना है कि कई मानकों पर कोविड प्रबंधन में राज्य सरकार कामयाब रही। आयोग की नवंबर की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य ने ऐसे तमाम उपाय किए जिससे इस महामारी को रोकने में कामयाबी मिली। इसी के साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना के इलाज के लिए एक मुख्य टीम बनाई गई है, कई छोटी छोटी टीम बनाई गई है, कंटेनमेंट, आइसोलेशन, दवा, प्रशिक्षण और इन सब के बीच समन्वय की व्यवस्था की गई, जिससे बिहार को फायदा मिला है। बिहार के बच्चे अब बनाएंगे सैटेलाइट। बिहार के बच्चे अब जल्द ही सैटेलाइट बना सकते हैं, क्योंकि पटना के NIT में इसरो ने अपना रीजनल सेंटर स्थापित कर लिया है। ज्ञात हो इसको लेकर बुधवार को ही NIT पटना और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बेंगलुरु के साथ एक MOU साइन हुआ था, जिसके बाद बीते दिन इसकी स्थापना भी कर दी गई है। इसको लेकर इसरो के डायरेक्टर सुधीर कुमार ने कहा है कि पूरे जोन में हमें NIT पटना ने बेहतर संस्थान कोई और नहीं मिला। अब हमें रिसर्च के मामले में भी पुराने तरीके की सोच से आगे निकलकर प्रैक्टिकल तरीके से सोचना होगा, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च पर काम होगा। इसके साथ ही अब BTech, MTech और PhD के स्टूडेंट्स भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आइडिया दे सकेंगे।
जिलों में बढ़ा ठंड का प्रकोप। राज्य के कई हिस्सों में ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी पटना समेत बिहार के 19 जिलों में ठंड का प्रभाव बढ़ा है, जबकि बाकी के जिलों में पूर्वी हवा के प्रभाव के कारण मौसम गर्म बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में हवा का प्रवाह अलग अलग होने के कारण दिन और रात के तापमान में अंतर दिख रहा है। बताते चले कि राज्य के उत्तरी हिस्से में दक्षिण पूर्वी हवा और दक्षिणी हिस्से में पछुआ हवा बह रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर धीरे धीरे बिहार के सभी हिस्सों में दिखाई देगा, जिससे तापमान में गिरावट होगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में अधिकांश जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम होने की उम्मीद जताई गई है। कामगारों के बच्चों को स्कूल पहुंचाएंगे कारखाना मालिक। कामगारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कारखाना मालिक अब स्कूल पहुंचाने का काम करने वाले हैं, और उन्हें ऐसा करने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने बाध्य किया है, क्योंकि हाल ही में विभाग ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की है और यह निर्णय लिया है कि अब से जिस भी कारखानों में कामगारों के 25 से अधिक बच्चे होंगे, उन्हें स्कूल भेजने की व्यवस्था कारखाना मालिक को करनी होगी। इसके अलावा राज्य के कारखानों में काम करने वाले कामगारों के बच्चों की सुविधा के लिए पालन घर का निर्माण भी होगा। खासकर की वैसे कारखाने जिसमें 50 या इससे अधिक कामगार काम करते हैं, वहां बच्चों के लिए पालना घर बनाया जाएगा। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि काम करने वाले कामगार नियमित हो या ठेके पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार पुलिस की अन्य राज्यों पर विशेष नजर। साल 2016 में बिहार में शराबबंदी की घोषणा की गई और उम्मीद यही जताई गई कि आने वाले कुछ सालों में बिहार शराब मुक्त राज्य घोषित हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके उलट सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे शराब का व्यापार होता गया और कई लोगों की जान जहरीली शराब पीने के कारण चली गई, जिसके बाद हरकत में आई बिहार सरकार ने बिहार पुलिस को तलब किया और अब पुलिस चप्पे चप्पे पर छापेमारी कर रही है। इतना ही नहीं, शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए यूपी, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों से बिहार शराब सप्लाई करने वाले शराब माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग अभियान चलाकर शराब तस्करों की गिरफ्तारी करने में जुटा है। आगे भी पुलिस ने रणनीति के तहत ऐसे शराब तस्करों को चिन्हित करने का काम करने का संकल्प लिया है। पटरियों पर विंटर अलर्ट हुआ जारी। नवंबर का महीना अब खत्म होने की कगार पर है, ऐसे में ठंड का प्रभाव भी आने वाले दिनों में बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ठंड के साथ कोहरे की चादर भी बिहार में देखने को मिलती है, ऐसे में ट्रेनों के परिचालन को लेकर कई बदलाव देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ ही रेल पटरियों के टूटने का खतरा बढ़ने लगता है। खासकर की लूप लाइन में बिछी पटरियों पर खतरा ज्यादा बना होता है। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने बिहार में इसके लिए PWI विभाग को अलर्ट जारी किया है, साथ ही साथ नाइट पेट्रोलिंग भी शुरू करवा दिया गया है। इसको लेकर रेलवे इंजीनियर ने साफ कहा है कि सर्दी बढ़ने पर पटरी में टूट की आशंकाएं वैज्ञानिक होती है, लेकिन सावधानी जरूरी है। बोधगया के महाबोधि मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल महाबोधि मंदिर एक बौद्ध धर्म मंदिर है जो बोधगया में स्थित है। बताया जाता है कि यह वही जगह है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस खूबसूरत मंदिर के निर्माण के लिए श्रेय राजा अशोक को जाता है, जो इसे 260 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसके तहत अगर आप जब भी बिहार आए या आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आप बोधगया के महाबोधि मंदिर जरूर घूमने जाएं। दूसरे राज्यों में बाल मजदूरी करने वाले मासूमों को छुड़ाएगी सरकार। श्रम संसाधन विभाग जल्द ही समाज कल्याण विभाग की सहायता से देश के अन्य राज्यों में काम करने वाले बिहारी श्रमिकों को छुड़ाने के लिए विशेष अभियान का आयोजन करने जा रहा है। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है, साथ ही 4 राज्यों को इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे राज्यों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की रेकी की जाएगी। इसके बाद बच्चों को छुड़ाने के लिए संबंधित राज्य के श्रम संसाधन विभाग से सहयोग लिया जाएगा। इसको लेकर विभाग ने राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के श्रम अधिकारियों से पत्राचार किया है, ताकि वहां के बाल श्रमिकों की जानकारी एकत्रित की जा सके। हर विभाग से मांगा गया संविदा कर्मियों का ब्यौरा। बिहार में जल्द ही संविदा पर बहाल कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बीते दिन ही सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभागों से संविदा पर हुई नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा है, जिसके तहत सभी विभागों के सचिव को भेजे गए पत्र में 2005 से अब तक हुई नियुक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया, जिसके बाद अब सभी ब्यौरे को 2 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाना होगा। इसको लेकर बीते दिन ही पुराना सचिवालय सभागार में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक रखी गई थी। इस बैठक में सभी विभागों के प्रतिनिधि को प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध रहने के लिए कहा गया था। अब बिहार के वकीलों और मुवक्किलों की समस्या पर होगी चर्चा।
आज न्यायपालिका, वकीलों, स्टाफ और मुवक्किलों की समस्या को लेकर भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की तरफ से पटना में अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इस चर्चा में पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज शिवाजी पांडे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा समेत अन्य गणमान्य अतिथि भाग लेंगे। समिति के अध्यक्ष धर्मनाथ यादव ने इस बात की जानकारी दी है और साफ किया है कि समिति विशुद्ध रूप से एक गैर राजनीतिक संगठन है और इसे किसी भी राजनीतिक दल से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बैठक में बार काउंसिल के ऑडिट को बगैर रुकावट शीघ्र पूरा करवाने, अधिवक्ताओं के लिए बनी पेंशन योजना 2012 को सख्ती से लागू करने, वकील पेंशन अभ्यर्थियों के लगभग 10,000 आवेदनों का निपटारा समय सीमा में करना प्रमुख है। बिहार विधान परिषद में नहीं फटेंगे पन्ने। बीते दिन से बिहार में ई विधान की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया है, जिसके बाद अब बिहार विधान परिषद की कार्रवाई पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड होने वाली है। यानी कि अब सभी सदस्य कंप्यूटर के माध्यम से सवाल पूछने वाले हैं, साथ ही कंप्यूटर पर ही जवाब और सारी जानकारी उपलब्ध होने वाली है, जिससे कि अब सदन में कागज नहीं दिखेगा। वहीं बीते दिन मौके पर बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां इस तरह की व्यवस्था हो रही है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में कुछ परेशानी भी हो सकती है, लेकिन बजट सत्र में इसका लाभ बहुत मिलेगा। नई जनरेशन को बचाने के लिए लिया गया शराबबंदी का फैसला। बिहार में आज मद्य निषेध दिवस मनाया जाना है, जिसके तहत आज एक बार फिर से लोग शराब का सेवन नहीं करने की शपथ लेने वाले हैं। हालांकि शराबबंदी कानून की उड़ रही धज्जियां के कारण सुर्खियों में आई बिहार सरकार भी अब इस कानून को लागू करने के लिए काफी सख्त हो गई है। वहीं आज आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार को अपने लोगों का भी साथ मिल रहा है। यही कारण है कि बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह बोल्ड डिसीजन है और सबको पता है कि ओपन बॉर्डर है। मुख्यमंत्री ने नए जनरेशन को बचाने के लिए फैसला लिया है, इसलिए इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। रिश्वतखोरी के मामले में मुख्य जांच आयुक्त होंगे संचालन पदाधिकारी। हाल ही में जनता दरबार के नाम पर रिश्वत लेते दो अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके बाद ही बिहार सरकार रिश्वतखोरी के मामले को लेकर सजग है। इसी बीच बीते दिन बिहार सरकार ने एक बार फिर से अधिकारियों को एक पत्र जारी करते हुए सचेत करने का काम किया है, जिसके तहत सभी विभागों के प्रधान सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने सभी विभागीय प्रधानों को पत्र लिखकर कहा है कि मुख्य जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किए जाने से पहले पूर्व से निर्गत नियमों का अनुपालन करें। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर से स्पष्ट किया है कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के मामले में मुख्य जांच आयुक्त को ही संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा। पहले महंगाई को लेकर लालू यादव ने किया हमला। चारा घोटाला मामले की एक सुनवाई में शामिल होने सशरीर बिहार आए लालू प्रसाद यादव बीते दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि इन सब के बीच उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला, जिसके तहत उन्होंने महज 3 शब्दों में ट्वीट किया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने महंगाई को लेकर के एक ट्वीट किया, जिसमें केवल एक शब्द टमाटर लिखा गया था। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लालू यादव ने लिखा, सरसों का तेल। बता दें कि टमाटर अभी बाजार में 80 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है, इसी तरह सरसों का तेल भी इन दिनों अचानक महंगा हो गया है। मांझी हर जिले में बनाएंगे अब अपना मजबूत संगठन। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने बीते दिन अपनी पार्टी के वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए कई बातें की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनकी पार्टी को और मजबूत किया जाएगा, जिसके लिए हर जिले में मजबूत संगठन बनाने का काम होगा। इसके लिए जल्द ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को टास्क भी सौंपने का काम किया जाएगा। इसको लेकर प्रमंडल प्रभारी और जिला संगठन प्रभारियों की महत्वपूर्ण जवाबदेही है और वो अपने अपने जिला में संगठन को कैसे मजबूत करते हैं, इसको लेकर हाल ही में एक बैठक भी बुलाई गई थी। जानकारों की माने तो मुख्य रूप से यह बैठक 16 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय परिषद को लेकर के थी। तेजप्रताप यादव की विधायकी के खिलाफ दायर याचिका में हुई गवाही। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान तेजप्रताप यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र के लिए संपत्ति को लेकर हलफनामा में जानकारी छुपाने के आरोप में विजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई बीते दिन पटना हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की गवाही दर्ज हुई। तेजप्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 का हवाला देते हुए तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर की है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 2 दिसंबर को की जाएगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच का पहला दिन रहा अय्यर के नाम। भारत के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से इस दौरान शुभमन गिल ने अर्धशतकीय पारी खेली। गिल 52 रन बनाकर जेमिसन का शिकार बन गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा भी 26 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रहाणे भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 35 रन बनाकर वो भी जेमिसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। लेकिन इसके बाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेल रहे श्रेयस अय्यर और रविन्द्र जडेजा ने भारतीय पारी को संभाला और बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोनों शानदार
लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं और नाबाद हैं। अय्यर 75 रन और जडेजा 50 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही श्रेयस अय्यर ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। टीम और फैंस अय्यर से शतक की उम्मीद लगा रहे हैं। मैच के दूसरे दिन अय्यर शतक लगा दे ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की लय में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं दोहरा शतक भी दूर नहीं है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। साल 1885 में पहली बार उल्कापिंड की तस्वीर ली गई। देश के श्वेत क्रांति की जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन का 1921 में जन्म हुआ। देश का सर्वोच्च कानून हमारा संविधान 1949 में अंगीकार किया गया। आजाद भारत के संविधान पर 1949 में संविधान सभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किया। भारत में 1960 में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच एसटीडी सेवा शुरू हुई। भारत के मुंबई नगर में 2008 में हमला हुआ, जिसे 26/11 के नाम से आज भी जाना जाता है। इसे भारतीय सेना ने 3 दिनों की कार्रवाई के पश्चात मुक्त करा लिया था। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद राम शरण शर्मा का जन्म 1919 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध उद्योगपति और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का जन्म 1921 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार तपन रॉय चौधरी का निधन 2014 में आज ही के दिन हुआ था। पीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ने का काम दिसंबर तक करे पूरा। पीएफ खाता धारकों में नॉमिनी यानी कि आश्रितों का नाम जोड़ने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कोशिश है कि नॉमिनेशन अभियान के तहत बिहार के सभी 5 लाख पीएफ अंशधारकों के खाते में अनिवार्य रूप से आश्रितों का नाम जुड़ जाए। इससे पीएफ अंशधारकों के नहीं होने पर उनके परिजनों को बीमा या पेंशन की राशि पाने में परेशानी नहीं होगी। इसको लेकर ईपीएफओ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ब्रजेश कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में उक्त बातें की। ट्रूकॉलर का नया वर्जन 12 भारत में लॉन्च। ट्रूकॉलर ने भारत में आज नए वर्जन 12 को लॉन्च कर दिया है। साथ ही ऐप के यूजर इंटरफेस में बदलाव ऐलान किया है। ऐसे में ट्रूकॉलर यूजर को कॉल अलर्ट, कॉल रीजन, फुल स्क्रीन, कॉलर आईडी, इनबॉक्स क्लीनर, एसएमएस और कॉन्टैक्ट सेफ्टी बैकअप, स्मार्ट एसएमएस जैसे दर्जन भर फीचर्स मिलेंगे। ऐप को भारत में 46 भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया है। ट्रूकॉलर ऐप में वीडियो कॉलर आईडी के साथ कॉल रिकॉर्डिंग, घोस्ट कॉल और फिर कॉल अनाउंस जैसा नया एक्सपीरियंस दिया गया है। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,190 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,440 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,900 रुपए था। वहीं अगर राजधानी पटना में पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुनील कुमार, भारत प्रसाद, मृत्युंजय कुमार, गौतम कुमार, सीमा कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, सोनू लाल, अमलेश कुमार, पंकज कुमार दास, सचिन कुमार, अनुज आर्या, सौरभ मिश्रा, राजदीप माही, मुकेश कुमार, रमेश राज, गोपाल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आज शराबबंदी को लेकर चलाए जा रहे शपथ ग्रहण महाअभियान बिहार में कारगर साबित होगा या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।